सॉल्यूशन पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ेंगे। चलिए आप सभी का स्वागत है, मैं आरके आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज सॉल्यूशन, आज का जो लेक्चर का फ्लो होगा वो कैसे होगा जरा एक बार देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले आज सॉल्युबिलिटी इसको डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे। इसके डिस्कशन के बाद फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, सॉल्युबिलिटी, क्या कैसे कैसे डिपेंड करता है, यानी सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन का कैसे कैसे चेंज हो सकता है, जैसे टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर से इफेक्ट पड़ेगा, वो सारा चीज। और साथ ही सॉल्यूशन में एक हल्का सा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का भी क्या कर लेंगे, हल्का सा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि इनके डिस्कशन के बाद ही एक लॉ आएगा, फैक्टर्स पे ही है वो, हेनरीज लॉ। ये सारा डिस्कशन होगा और ये इजी वे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे डेली लाइफ एग्जांपल के साथ लेकर के, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उसी से रिलेटेड है आपका हेनरी लॉ, और ये फैक्टर है प्रेशर जिसपे डिपेंड करता है। आगे हम लोग कैसे कैसे डिपेंड करता है सारा चीज सीखने वाले हैं, तो जरा बताइए सभी रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये होगा आपका लेक्चर फ्लो। बगल में एक चिड़िया भी बोल रही है, तो शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी से, क्या फिर ये होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन देने से पहले आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे कि ये वाटर सॉल्यूशन है, सॉरी वाटर है, इसमें हम शुगर या सॉल्ट कोई भी ले सकते हैं, क्या करते हैं डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे मान लिया पहले 5 ग्राम मिला है, फिर उसका मात्रा बढ़ा करके 10 ग्राम कर दिए, फिर 15 ग्राम कर दिए, एक पोजीशन ऐसा आएगा, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे जैसे हम अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते जाएंगे अमाउंट, चाहे वो शुगर हो या सॉल्ट का, तो हम लोग देखेंगे कि नीचे एकदम बॉटम पे एक लेयर बन जाएगा, और क्रिस्टल लेयर होता है, एक क्रिस्टल बन जाएगा, यानी कि हम लोग क्या इसको देख पाएंगे नेकेड आईज, यानी कि क्या हुआ सॉल्युबिलिटी आप बता सकते हैं क्या हो सकता है, जो एक ऐसा टाइम आएगा, यानी एक ऐसा मैक्सिमम अमाउंट होगा किसका, सॉल्यूट का, चूंकि मिलाते किसको है सॉल्यूट को, सॉल्यूट का एक मैक्सिमम क्या होगा, एक मैक्सिमम अमाउंट होगा, जिसके बाद क्या होगा एक लैटिस स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बॉटम पे बनना प्रारंभ हो जाता है। तो यही है आपका क्या सॉल्युबिलिटी, द मैक्स अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, द मैक्स अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ये हुआ आपका सॉल्युबिलिटी, ये क्लियर है, और भी एग्जांपल लेकर के बता सकते हैं नहीं तो आपको बोलिएगा। आई थिंक एकदम क्लियर होगा। अब चीनी पानी कुछ भी, और भी एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे घर में हम लोग जब वाथिंग शुरू करते हैं किसका, सर्ट का, बाथ में तो नहाना हो जाता है, नहीं वॉशिंग शुरू करते हैं, तो सर्फ लेते हैं, डिटर्जेंट लेते हैं, तो उसका भी एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जो हम लोग क्या करते हैं मिक्स करते हैं। अगर वाटर्स यहाँ पे एक समय हम ये देखते हैं कि क्या रहता है, नीचे ही डिटर्जेंट बैठा रह जाता है, इसका मतलब ये शो करता है कि आप जो सॉल्वेंट हमारा वाटर था उसमें हम मैक्सिमम अमाउंट मिला चुके हैं और उसे ज्यादा मिलाना प्रारंभ कर दिए हैं। आई थिंक ये इतना एग्जांपल सफिशियंट होगा। तो क्या हुआ सॉल्युबिलिटी जरा नोट कर लेते हैं, लिख दें, ठीक है लिख देते हैं, द मैक्सिमम
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस क्या होगा, ऑब्वियसली सॉल्यूट, दैट कैन बी डिजॉल्व. हम लोग मिक्स भी लिख सकते हैं लेकिन केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड टर्म क्या है, डिजॉल्व, इन अ सॉल्वेंट अ स्पेसिफाइड अमाउंट. यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो स्पेसिफाइड होगा एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. ये हुआ इसका डेफिनेशन. क्लियर है, बहुत आसान डेफिनेशन है. अब यहां एक सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर स्पेसिफाइड अमाउंट क्यों लिखा गया सॉल्वेंट का, कोई बता सकता है? क्यों लिखा गया है कोई बता नहीं सके? देखिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू लीजिए, जैसे कि अभी वही एग्जांपल सॉल्ट का ही ले लेते हैं, सॉल्ट सुगर जो भी हो. जैसे यहां हम फिक्स नहीं कर, जैसे कि वाटर का मान लिया कि कितना है 80 ml है, ठीक है, क्या है वाटर 80 ml है, और यहां हम 10 ग्राम क्या मिला दिए, सुगर या सॉल्ट जो भी, तो अब कितना हो गया ये 90 ml हो गया, 90 ग्राम, ठीक है. धीरे धीरे ml और इस कारण से अगर यहां ग्राम लिख सकते हैं, 10 ग्राम वाटर. तो देखिए अगर हम इसका फिक्स नहीं किए, ठीक है, इसका फिक्स नहीं किए और टेम्परेचर भी फिक्स नहीं किए, तो होगा क्या, हम अपने मन से फिर से डाल देंगे क्या पानी, डाल सकते हैं ना, डाल देंगे तो फिर कहेंगे कि सर मिला तो सकते हैं, नहीं 10 ग्राम भी पहले मिलाया था, चाहे तो 14 ग्राम मिला सकते हैं, है ना. इस कारण से सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए कि कितना है, और टेम्परेचर बढ़ा चुकी, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, अगर हम गर्म कर दें तो और वो चीनी को क्या कर लेगा, घुला लेगा. आगे आते हैं इस पे और अच्छे से. तो क्यों स्पेसिफाइड लिखा गया, इसका सब जवाब ये है. अब क्लियर हुआ ये, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा. अब आपसे एक और सवाल है हमारा कि NaCl क्या है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर होता है, और ये आयोनिक बॉन्ड से एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है. यानी इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में, सॉल्ट में आयोनिक बॉन्ड होता है. तो आखिर आयोनिक बॉन्ड अगर पढ़े होंगे बॉन्डिंग में, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है. तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इसका, तो आखिर वाटर में जाने के बाद ये ब्रेक क्यों हो जाता है, यानी ये वाई इट्स बॉन्ड ब्रेक्स, इसका क्यों हो जाता है बॉन्ड ब्रेक, यानी इसका जो बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्डिंग है वो क्यों, टूटना तो नहीं चाहिए, इसका क्या रीजन है, पता है किसी को? अगर किसी को पता है तो वो लिखिए तो जरा, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग. किसी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? हम बताते हैं कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों टूटता है.
NaCl क्या होता है, एक लैटिस स्ट्रक्चर बताया, तो ये ब्रेक होता है किसमें, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयंस में। तो आखिर क्या रीजन है कि ये टूटता है, इसका कुछ अपना लैटिस एनर्जी होगा, लैटिस एनर्जी, इसका कुछ अपना लैटिस एनर्जी होगा, है ना। अब क्यों टूटा वाटर में जाने के बाद, बताइए जरा। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया वही हीट, क्या बोला, वही लैटिस एनर्जी के फॉर्म में। तो इसको ब्रेक करने के लिए डेल्टा एच लैटिस चाहिए होगा, ठीक है। और यहां से फिर क्या होना है, यहां पे वाटर, हम इसको किसमें ऐड करना है, वाटर में। तो यहां एक और एनर्जी होता है, कोई बता सकते हैं, नाम सुना होगा आपने, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो होता क्यों है, क्यों टूटता है वो सुनिए, कि अगर लैटिस एनर्जी का वैल्यू मान लिया 40 किलो कैलोरी है और इसका अगर 70 किलो कैलोरी है, ठीक है, 70 किलो कैलोरी, तो ये जो लैटिस एनर्जी से क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है, बहुत ही काम है इसका हाइड्रेशन एनर्जी से। तो रीजन ये है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी किसका, वाटर का, लैटिस एनर्जी से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और ऑब्वियसली यहां एग्जांपल के थ्रू क्या है, ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाता है NaCl अपने Na प्लस Cl माइनस आयंस में, और वो क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। ये है रीजन, इसका स्ट्रक्चर के थ्रू भी बताया जा सकता है, चाहते हैं कि स्ट्रक्चर के थ्रू भी बताएं, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर के थ्रू आइएगा तो यहां पे जो सोडियम प्लस होता है, यहां पे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे क्या होता है, चारों तरफ से घिरा होता है, पार्शियल चार्ज, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पार्शियल चार्ज से ये घिरा होता है सोडियम। उसी तरह से क्लोरीन माइनस पहले से होता है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ वाटर के मॉलिक्यूल का, वाटर के मॉलिक्यूल का पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे क्या होता है, ये घिरा होता है। इस कारण से ही क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है, यानी कि सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है वाटर में, कौन, सोडियम क्लोराइड, इवन कि उसके पास क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड के फॉर्म में। ये समझ में आया, क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, अगर नहीं आया होगा तो बोलिएगा, फिर से हम समझा देंगे इसको, इसका रीजन ये होता है, सबसे बड़ा रीजन। अब सोल्युबिलिटी चल रहे थे हम लोग, इसका डेफिनेशन आपको हम बता दिए, तो ये होता है कि सोल्युबिलिटी क्या होता है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव नेचर होता है या प्रॉपर्टी होता है, इसको बोलते हैं। क्यों कह रहे हैं क्वांटिटेटिव, क्योंकि हम क्वांटिटी, जैसे वही फिर से एग्जांपल उसमें क्या बता रहे हैं, अगर NaCl सॉल्ट को मिला रहे हैं तो उसका हम क्वांटिटी बता रहे हैं कि हाँ क्या ये 10 ग्राम है। इस कारण क्या कहते हैं इसको, कि सोल्युबिलिटी क्या है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, हम फिक्स करके बता रहे हैं कि हम 10 ग्राम मिलाए, 15, 20 जो भी मिलाए हैं, लेकिन उसका क्वांटिटी बता रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, क्या, सोल्युबिलिटी। ये पॉइंट क्लियर है, और अगर यहीं पे कंसंट्रेशन का बात किया जाए, कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड का या डाइल्यूशन का बात किया जाए, तो ये क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव। अब क्यों कहते हैं क्वालिटेटिव, मान लिया कि अभी हम चीनी पानी का घोल बना है, आपको दिए, हालांकि दे तो सकते नहीं है, फिर भी दिए, तो क्या आप क्वांटिटी बता सकते हैं कि हम कितना मिलाए होंगे, आप पिया, आपने वो पिया, तो आप बताइए कि हाँ सर ये मीठा है, कम मीठा है,
या ज्यादा मीठा, यानी क्या बता रहे हैं उसका क्वालिटी बता रहे हैं। तो कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड या डाइल्यूशन को क्या बताते हैं, ये क्वालिटेटिव मेजर है। हम ये कहते हैं कि हाँ ये कम मीठा है या कम खारा है या ज्यादा मीठा है या ज्यादा खारा है, लेकिन सोलिडिटी का क्या हम लोग एग्जैक्टली क्वांटिटी बता पाते हैं, इस कारण से इसे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब क्लियर है, एकदम आपको इजी वे में प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब आइए यही सोलिबिलिटी में सुने होंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कोई आइडिया है? ये भी एकदम सिंपल है, क्या यहां जो सोल्यूट का अमाउंट होगा, सोल्यूट अमाउंट क्या होगा, लेस होगा, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विद इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं, वही जो मैक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो मिला रहे थे, सोल्युबिलिटी जो बता रहे थे, यानी कि यहाँ पे जो मान लिया कि हम वहां 10 ग्राम चीनी मिला रहे थे, शुगर मिला रहे थे, हम यहाँ क्या मिलाएंगे, उसी 80 ml में कितना मिलाएंगे, 8 ग्राम ही मिलाएंगे। यहाँ जो 8 ग्राम जो सोल्यूशन जो नया मिलेगा, हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो अनसेचुरेटेड होगा, मतलब जितना मिला सकता है वो सोलवेंट, उससे अगर कम रहे तो उसको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में वो 10 तक मिला सकता है, लेकिन मिलाए हम कितना है, 8 ग्राम। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। पॉइंट क्लियर हुआ, यहीं से इसी का उल्टा क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कैसा सॉल्यूशन होगा ये, एकदम जो अमाउंट होगा हम क्या 80 ml में सिर्फ अगर 10 ग्राम ही मिला सकते हैं तो 10 ग्राम का ही मिला हुआ, यानी वो क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट क्या था अनसेचुरेटेड में, लेस था, कम था, लेकिन यहां क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट होगा। क्लियर है ये, यानी कि क्या होगा यहां पे, एट इक्विलिब्रियम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अस्पेसिफाइड सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। ये पॉइंट क्लियर है दोनों के लिए, बताइए फिर से बताइए, ठीक है, रागनी फिर से बता रहे हैं, ठीक है, समझो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे कि हम 80 ml क्या लिए, 80 ml वाटर लिए, ठीक है, 80 ml वाटर लिए, हम इसमें 10 ग्राम चीनी या नमक तक मिला सकते हैं, उतना तक मिला सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, 5 ग्राम ही मिलाया, यानी सॉल्यूट का मात्रा हम 10 तक मिला सकते थे लेकिन मिलाया कितना, 5, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से कम, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे क्या, कि क्या है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। यानी जब पीते हैं सिकंजी तो कहते हैं मीठा कम है, यानी चीनी पानी जब पी रहे तो कहते हैं ना मीठा कम है, और जैसे ही कहे कि हाँ सर मीठा एकदम सही है, परफेक्ट मिला है, यानी कि हम परफेक्टली 80 ml में क्या मिलाए हैं, 10 ग्राम ही मिलाए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। कहते तो एकदम जनरल लाइफ से कनेक्ट करो, एकदम इजिली आंसर मिलेगा। अब क्लियर है, यस सर, ओके, तो ये था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखना हो तो बैग जाकर के या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, अब इसी के साथ एक और भी बोल सकते हैं हम लोग, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अब यहाँ क्या होगा, उस HTML H2O में हम लोग 10 ग्राम ही शुगर मिला सकते थे मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पे, लेकिन अब क्या करेंगे, क्या करेंगे 12 ग्राम मिला देंगे, यानी इससे ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड, जिसको हम लोग नॉर्मल टर्म में क्या कहते हैं घर में, कि चीनी का जो पानी है ज्यादा मीठा लग रहा है, ठीक है। तो ये होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स हो, ठीक है। अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो यही लिखेंगे, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। वही एग्जांपल ये हुआ, असेम हम मिला सकते थे 10 ही, लेकिन अब कितना मिला दिए हैं 12 ग्राम। अब क्लियर है, बताइए। अब क्लियर है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। अब जैसे हमने बताया था कि क्या क्या अफेक्ट, यानी कि सोल्युबिलिटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कौन कौन डाल सकता है सोल्युबिलिटी पर, कौन कौन सा फैक्टर्स इसको क्या कर सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, क्या क्या फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले प्रेशर, एकदम ऑब्वियसली क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। और क्या कर सकता है, टेम्परेचर बार बार लिख रहे थे, ठीक है, तो टेम्परेचर भी करेगा। और साथ में सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है नेचर, किसका नेचर जरा बता सकते हैं, किसका नेचर, वही जो मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, और किसमें मिलाएंगे, सॉल्वेंट। ये बेसिकली तीनों अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी किसी भी, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी करेंगे क्या, करने वाले हैं। तैयार हैं सभी, फिर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला, आज पहला में ही बहुत लंबा टाइम बीतेगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या प्रेशर, यानी प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी को, भाई गरम करें। तो इसमें जो पहला लॉ था वही जो हमने डिस्कशन किया, हेनरी जो लिखा था, हेनरीज लॉ, इन साहब ने कहा कि वेरियस गैसेस इजली वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, वेरियस गैसेस वाटर में इजली डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन उसका सोल्युबिलिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये था इनका स्टेटमेंट, क्या था, वेरियस गैसेस, इसको आप मेनी भी पढ़ सकते हैं, वेरियस का मतलब वेरियस गैसेस डिजॉल्व्स इन वाटर व्हाट देयर सोल्युबिलिटी वैरीज भी बोल सकते हैं या तो डिफर भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है,
ठीक है, ये कहा था इन्होंने। तो जैसे इसका कुछ रीजंस भी, जैसे O2 ऑक्सीजन जो गैस है इसको बोला जाता है वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है इसका भी आंसर है। किसी को पता है क्यों बोला जाता है कि O2 स्लाइटली सोल्यूबल क्यों होता है? वहीं पे आप क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, ये सभी क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। क्या होता है? हाईली सोल्यूबल होता है इसमें वाटर में। चूंकि ये भी क्या है, ये मत कहिए सिर्फ लिक्विड है, गैसीय सब्सटेट में भी पाया जाता है, अमोनिया गैस भी होता है। HCl गैसीय सब्सटेट यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसीय सब्सटेट में भी होता है। तो इसका रीजन बता रहे हैं क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो है O के बीच क्या होता है, ये पढ़े होंगे डबल बॉन्ड होता है, तो इसको हम लोग पोलर बॉन्ड में, सॉरी इसको नॉन पोलर बॉन्ड में रखते हैं, यानी इसका जो बॉन्डिंग होता है क्या होता है, वो नॉन पोलर होता है। लेकिन HCl NH3 इन सब में होता क्या है कि बॉन्डिंग पोलर होता है। पोलर कहने का मतलब समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो देखिए, जैसे क्या है, दोनों एक ही क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल है। तो यहां ऑक्सीजन पे जानते हैं कि अगर आयन में कन्वर्ट होता है तो क्या माइनस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये होता क्या है कि एच प्लस भी रहेगा और सीएल माइनस भी रहेगा। जब क्लास 11 में पढ़ रहे थे उसी समय पढ़ना था पोलरिटी, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी यही पोलरिटी शो करता है। तो पोलर जितने भी गैसेस होते हैं, पोलर होते हैं वो हाईली सोल्यूबल होते हैं, और उसका रीजन यही होता क्या कि वो डिफरेंट चार्जेस दे सकते हैं, उनका बॉन्डिंग किस टाइप का होता है, उनका बॉन्डिंग पोलर बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड है वो तो अलग है, लेकिन एक और पोलरिटी शो करता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग शो करता है। तो जितना भी शो करेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये भी हाई, इससे ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो क्या शो करता है, पोलरिटी शो करता है। जहां एक पर पार्शियल निगेटिव आएगा वहीं दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब क्लियर हुआ क्यों होता है, क्यों हेनरी साहब ने ऐसा कहा था, ये था रीजन, और बहुत सारा डिस्कशन इसका। वेट कीजिए, यहां तक कोई दिक्कत? तो हेनरी लाने किसी को दिक्कत बताइएगा जरा। चलिए इसको हम आपको रिएक्शन के थ्रू भी बताते हैं क्यों होता है ऐसा। यह स्टेटमेंट हम रहने देते हैं वैसे का वैसा है। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या करेगा, H2O से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, किसी को याद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़े होंगे या केमिकल रिएक्शन जो पढ़े होंगे बताया गया है, क्या बनाता है ये, H2CO3, यानी क्या, इजिली रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेता है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2SO3, 4 नहीं, क्योंकि यहाँ 4 नहीं है, H2SO4 नहीं लिख सकते हैं। तो ये सारे रीजन्स हैं कि वेरियस गैसेस का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, सोल्यूबिलिटी होता है अलग अलग। जबकि वो मिला किसमें रहे हैं, मिला तो वाटर में ही रहे हैं, मेरा सॉल्वेंट तो एक ही है, गैस अलग है, इस कारण से उनका अलग अलग होता है, क्या है, सोल्यूबिलिटी। क्लियर है ये? यहां तक आया समझ में? अब देखिए और जितने एग्जांपल ले सकते हैं उतने अच्छे से समझिएगा इसको। जैसे मानते हैं क्या, फिर से ले रहे हैं फ्लास्क या बीकर, यहां इसमें क्या है, वाटर है, ये मान ले यहां तक वाटर है, ऊपर से अब कोई भी एक गैस इसमें क्या कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं, तो ये जो गैस होगा ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और प्रेशर एग्जर्ट करने के कारण इस गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, होंगे ना डिजॉल्व,
अब ये मत कहेगा संपूर्ण, हम यहां टोटल प्रेशर का बात नहीं कर रहे हैं, टोटल प्रेशर का नहीं, हम किसका बात कर रहे हैं, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस, ओनली गैस, क्योंकि एयर में अगर हम एक्सपेरिमेंट ये ओपन एयर में करते हैं तो एयर में तो सारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सारा का सारा रहेगा, हम एक पार्टिकुलर गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं, एक पार्टिकुलर गैस का बात कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ये मत समझिएगा कि हम टोटल प्रेशर का बात कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कुछ एग्जर्ट करेगा, उस प्रेशर के कारण क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे और इसी कारण ये क्या करता है, H2CO3 रिएक्ट करके बना लेता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। चलिए ये पॉइंट समझ में आया क्लियरली, क्योंकि हेनरी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने इतना छोटा सा स्टेटमेंट तो दिया लेकिन उसका मैकेनिज्म समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक मैकेनिज्म तो समझा है कि क्यों होता है कोई भी सब्सटेंस, यानी कोई भी गैस क्यों, सब्सटेंस नहीं गैस क्यों, यहाँ आखिर गैस भी सब्सटेंस ही है, मैटर ही है, क्यों डिजॉल्व होता है, तो एक तो पोलैरिटी के कारण डिजॉल्व होता है और जो नॉन पोलर उसका होता वो भी है, लेकिन क्या होता है। अब ये कहेगा कि सर वाटर में तो ऑक्सीजन होता ही है, होता है, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होता है, लेकिन स्पेशली अगर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इस पे और मिलाए हैं तो क्या होगा कि ये अब मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड में मेहनत कम करना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहे हैं तो हम किसका प्रेशर कंसिडर करेंगे, सिर्फ CO2 का, ना कि एयर का, क्योंकि ओपन में तो सब कुछ भी अवेलेबल रहेगा। तो अब बताइए यहाँ तक, इस एग्जाम्पल तक, इस बताने के तरीके तक आपको सब कुछ क्लियर है कि, और एक चीज और, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है, लेकिन लाइक और शेयर जरूर करें। यहां तक कोई दिक्कत है, वो आज हेनरी लॉ यहीं तक रहने देते हैं, इसको फिर हम कल, चूंकि ये बहुत ही लंबा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से हम डिस्कशन करेंगे। ओके ठीक है, तो बाय, जय हिंद जय भारत।